मैं बुक रख देती हूँ, चलो जल्दी से कॉलेज चलती, वरना कॉलेज भी लेट हो जाएगा ना, तो मैम से बहुत डांट पड़ेगी। बैग ले लेती हूँ, चलो कॉलेज चलती हूँ जल्दी से। हाँ भगवान जी बस रक्षा करना मेरी, क्योंकि कुछ भी हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी। अगर सो मैं एग्ज़ाम में फेल हो गई तो मैथमेटिक्स में कम एग्ज़ाम आए, मतलब कम मार्क आए तो भगवान प्लीज़ रक्षा करना मेरी, वरना तो मम्मा पापा की उम्मीदों पे मैं पानी फेर दूँगी। भगवान जी रक्षा करना मेरी। शायद हमें से सारे क्वेश्चंस तो याद हैं, भूलूँगी नहीं, मुझे इतना पूरा भी अरे ओ माय गॉड, श्रुति तुम, हाँ कैसी हो? तुम्हारी सारे एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ हो गई श्रुति? नहीं यार अभी नहीं हुई, मैं तो भगवान से प्रे कर रही हूँ मैं ठीक पाऊँ। हाँ मैं भी सोच रही हूँ, और सब ठीक है घर पे? हाँ बिल्कुल ठीक है, बस एग्ज़ाम के वजह से सब लोग टेंस है कि मैं अच्छे मार्क पाऊँगी कि नहीं। मम्मी तो कह रही थी कि श्रुति से जाके ट्रेनिंग ले लो, उससे इतना मार्क्स कोई नहीं पाएगा। ऐसी बात नहीं है, मैं भी अब की बार शायद भूल जाऊँगी। ओ तुम हर दम कहती हो लेकिन हर दम मैथ में अव्वल आती हो, भगवान कह रहे इस बार भी आऊँ, मुझे कोई घमंड नहीं है, बट भगवान से प्रे करती हूँ मुझे आए। ठीक है चलो हम लोग, अब वरना कहीं लेट हो जाएंगे तो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। चलो क्लास के बाद मिलते हैं तुम्हारे घर पे, ओके? कैसा रहा एग्ज़ाम? बहुत अच्छा रहा तुम्हारा? मेरा भी बहुत अच्छा रहा। अरे वाह, मुझे तो इतनी टेंशन हो रही थी कि मैं शायद कुछ लिख ही नहीं पाऊँगी, बट बहुत अच्छा लिखा मैंने। मैंने भी बहुत अच्छा लिखा। ओके चलो ठीक है, अभी मैं चलती हूँ, लेट हो गया वरना मम्मा टेंशन लेंगी। हाँ ठीक है। चलो आ गई, ये भगवान जी थैंक यू थैंक यू, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहा, बस रिजल्ट अच्छा है। ओ वाओ रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा है, सारे सब्जेक्ट्स में मुझे अव्वल मिले हैं और इस बार भी मैं फर्स्ट आई हूँ, ये थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच भगवान जी, आपने मुझे इतना अच्छा इस बार भी दिया। ओह माय गॉड, मैं तो इस बार इतनी टेंशन में क्यों ले रही थी टेंशन, भगवान जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अरे श्रुति तुम आ गई, कैसा रहा तुम्हारा रिजल्ट? यार मैथ में मैंने बहुत अच्छा पाया सिर्फ तुम्हारी वजह से। ओ मैंने भी फर्स्ट रैंक पे आ गई। ओ वाह, और तुम्हें पता है मैं इस बार सेकंड रैंक में आई हूँ। ओ वाह, ये तो डबल ग्रेट न्यूज़ है। हाँ हम दोनों ऑफ की बार पास हो गए। अरे श्रुति बिटिया तुम ही पास हो गए क्या? हाँ आंटी मैं सेकंड आई हूँ अब की बार। अरे वाह ये तो बहुत आद, पर अरे पर क्या हुआ इतनी टेंशन में क्यों हो? मैंने तो मैथ में बहुत अच्छी तैयारी की तुम्हारी वजह से, लेकिन जो साइंस में इतनी तेज थी ना, मैंने उसकी तो तैयारी की ही नहीं और उसमें मैं बहुत कम नंबर पाई हूँ। हे भगवान, ऐसा भी कोई करता है क्या तुम्हें? मैं देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम साइंस में इतनी टॉप थी बट तुमने मैथ के वजह से अपना साइंस बेकार कर दिया, जो तुम्हें आता था वो भी तुम भूल गई। इस ऐसा हमेशा बिल्कुल भी मत करना, मतलब ऐसा कभी भी मत करना, जो तुम्हें आता वो तो अपनी टाइम से पढ़ते रहना और जो नहीं आता उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम से पढ़ना, इससे हम दोनों की खुशी बनी रहेगी। हाँ शायद तुम ठीक ही कह रही हो, अब से ऐसा बिल्कुल भी मत करना, इससे हम दोनों की भलाई रहेगी, है ना फ्रेंड्स? तो प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय।